और दोस्तों थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, इसको हम बोल देते कि 500 KB, तो ये 500 KB का डीजी नहीं है ये। तो यहाँ का थोड़ा माहौल के बारे में थोड़ा बताइए भैया। भाई यहाँ का माहौल है, आपको एक चीज़ बता दें, जितने भी लोग झारखंड से देखते हैं, सरजन भैया ने मोबाइल का चोरी कर लिया है। तो यहाँ पर एक गाड़ी, सरजन भैया पर्सनल गाड़ी और एक गाड़ी, ये देखिए इधर पे एक गाड़ी है। और दोस्तों सेकंड वीडियो में आप लोग का स्वागत है फिर से, और हर हर महादेव दोस्तों। और अभी तक हम लोग नाश्ता तो कुछ भी नहीं किए हैं, थक लगा रहे हैं, अभी जा रहे थे नाश्ता वास्ता करने के लिए। तो थोड़ा सा आप लोग को बहुत पहले से ये सब वीडियो दिखा दिए होंगे। तो ये जो पेट्रोल पम्प है दोस्तों, ये रात भर पेट्रोल पम्प पर गाड़ी का यहाँ पर सेटअप रेडी हो रहा था, तो वेल्डिंग के कारण से गाड़ी को उधर किया गया था, ठीक है। तो यहाँ पर एक गाड़ी, सरजन भैया पर्सनल गाड़ी और एक गाड़ी, मतलब यहाँ पर तीन गाड़ी है। और उधर जहाँ पर सेटअप रेडी हो रहा है उधर एक गाड़ी है, चलिए उसको भी दिखाते हैं। और यहाँ पर सच बता रहे हैवी क्रेज हो रहा है दोस्तों, जितना भी यूट्यूबर है सब कोई इधर ही आ रहे हैं धीरे धीरे करके, उधर से देख सकते हैं। ये देखिए इधर पे एक गाड़ी है, आप लोग को डीजी दिखा देते जो इस सेटअप में रहने वाला है। और एक चीज़ दोस्तों, ये जो सेटअप है टोटल 40 बजे से रहने वाला है मेरा अनुसार, ठीक है। और ये देख सकते हैं ट्रोला पे डीजी को लेके आया गया है। और ये भाई फोन का डीजे, हाँ भैया फोन का साधन डीजे, नहीं इसमें नहीं बनाया, तो आप बोलने का क्या मतलब, ट्रोला पे डीजी आया वो बोल रहे हैं ना। अच्छा ये आएगा ट्रोले पे, हाँ ये देख सकते हैं दोस्तों डीजी आ चुका है 500 KB का। और दोस्तों थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, इसको हम बोल देते कि 500 KB, तो ये 500 KB का डीजी नहीं है, ये 250 KB का डीजी है जो दो गो रहने वाला है। रेलवे स्टेशन आते हो देख सकते हैं, हैवी डीजी है साइलेंट वाला, कि आप लोग डीजी से अनुमान लगा सकते हैं इस बार का सेटअप किस तरह का रहने वाला है और किस तरह का रिस्पांस रहने वाला है। बाकी आप लोग अपना कमेंट करके बताइएगा। और चलिए और भी भाई लोग से मिलवाते हैं, इधर से आप लोग देख सकते हैं और एक डीजी अंदर पे है, अब वो कितना के भी कराने वाला पता नहीं। और बाकी दोस्तों यहाँ पर ही भैया को देख सकते हैं, सोनू भैया। हेलो भाई, सोनू भैया भी बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं अभी कुछ दिन से, पता नहीं अच्छी हो गए हैं। बहुत सारा भैया का भी चैनल से वीडियो आने वाला है, मेरा चैनल का नाम है सानू डीजे ब्लॉग। और अगर आप देखते हो गए वीडियो तो मैं काफ़ी अपडेट देता हूँ आप लोगों को, और अभी हम लोग चल रहे हैं और जेन्युइन चीज़ जो भी बताते हैं, तो यहाँ का थोड़ा माहौल के बारे में थोड़ा बताइए भैया। भाई यहाँ का माहौल है, आपको एक चीज़ बता दें, जितने भी लोग झारखंड से देख रहे हैं या यूपी से देख रहे हैं, जितने भी लोग देख रहे हैं, मैं आपको बताऊँगा वहाँ से जो आप लोग वीडियो में देखते हो वहाँ से और कमेंट करने में काफ़ी अंतर है, ठीक है। भले ही आप किसी के सपोर्टर हो, ठीक है, वहाँ से यहाँ माहौल बहुत ही अंतर है। यहाँ पर भी आप अभी देखाऊँगा आपको कितने बड़े बड़े डीजे हैं, आप खुद सोचोगे कि हाँ भाई कि कुछ है यहाँ पर भी, ऐसा नहीं है, वो तो जब सामने आएगा ना तब पता चलेगा भाई। तो फिलहाल देखते हैं माहौल कैसा है, अभी क्या चल रहा है क्या नहीं, और अभी भैया को भी लेकर चल रहे हैं, अभी दिखा रहे हैं क्या क्या। अभी हम लोग कौन सा डीजे वाला के पास जा रहे हैं, आपको हम जहाँ पर ले चल रहे हैं ना, काफ़ी डीजे उस लाइन में, कम से कम नहीं तो आपको 8 से 10 डीजे वहाँ पर मिलेंगे, जो कि बहुत हैवी सेटअप लोडिंग है जी। इसमें 21 इंच की बेसें हैं, 18 इंच की बेसें हैं, बहुत हैवी सेटअप लोडिंग है। तो चलिए देखते हैं और एक भाई साहब लोग का मिलवाते हैं जो हमारे झारखंड से आए थे और यहाँ पर आने के बाद आके फंस गए थे, और अभी उसी से पूछते हैं आने के बाद उसको कैसा लग रहा है, ठीक है। ये देखिए क्या नाम है भाई आपका, आर्यन कुमार। क्या? आर्यन कुमार। आर्यन कुमार, तो ये डिसाइड कैसे कर ले क्या अचानक आने का? हम ये प्लानिंग किए थे घर से कि डीजे साजन भाई पहले पहुँच जाएंगे और बाकी ट्रोला वाला का जो लगता है 4-5 दिन लगता है, हाँ। तो हम सोचे एक दिन घूम लेंगे, दूसरे दिन से ट्रोला लगना स्टार्ट हो जाएगा, तो मैं उनका वीडियो बनाना स्टार्ट कर दूंगा। और यहाँ आने के बाद देखा पता चला कि यहाँ माहौल उस टाइप का नहीं है, अभी तो निकलने में उनका 1-2 दिन टाइम लग जाएगा, इसके कारण हम थोड़ा फंस गए थे। लेकिन थोड़ा सा एक्सपीरियंस मिला क्योंकि हम फर्स्ट टाइम थे मतलब वीडियो में, थोड़ा सा एक्सपीरियंस मिला हमको, थोड़ा सा किस तरह क्या होता नहीं होता थोड़ा समझिए थोड़ा माहौल को। बोलो हम आए फंसे, लेकिन एक थोड़ा सा मोटिवेशन मिला अंदर से, मजबूती मिला कि हाँ इस तरह होता है, माहौल को हम समझ पाए अच्छी तरह। और भाई काफ़ी ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं, कितना सब्सक्राइबर पे आए थे? हम आए थे 2022 कुछ ऐसे सब्सक्राइबर था, ठीक है। और अभी कितना हो गया?
अभी तो आज तक चेक नहीं किया। सार्जन भैया ने मोबाइल का चोरी कर लिया है। और रात को जो मोबाइल जो चोरी का वीडियो देखा था सार्जन भी एक है, वो इन्हीं का मोबाइल था जो कि होश से बेहोश हो गए थे सोने के टाइम। हाँ भाई, क्योंकि बहुत हम थके थे, मतलब 3 दिन हम सोए नहीं थे। इतना भाई यहाँ पे मच्छर लग रही है कि भाई सो रहा हूँ 1 घंटा के लिए एकदम बेहोशी, ताकि नींद में नहीं, फिर उसके बाद फिर उठ जा रहा हूँ क्योंकि इतना मच्छर काट रहा है भाई। सुबह को भाई का मुँह देखने लायक था, सच बता रहा, और अभी तक मोबाइल इसके हाथ नहीं आया है भाई। आपको बता दें, इसके दिल की तसल्ली मैंने ही दिलाई है ना। मैटर क्या हुआ था बताइए। मैटर ये हुआ था भाई, सार्जन भैया आए, एक और मोबाइल चोरी हुआ था उससे पहले भी, वो आदमी परेशान था, उसको अभी भी ये लग रहा है कि मेरा मोबाइल चोरी कर लिया। फिर दोबारा देखे कि भैया अपना मोबाइल फेंके, बड़े आराम से चोरी कर रहे थे, वो सो रहे थे और काफी मतलब नींद में थे, ठीक है। उसके बाद सार्जन भैया आए, देखे इनका हालत बहुत इनका गड़बड़ था, सो रहे थे। और उसके बाद भाई हुआ क्या कि सार्जन भैया आए, मोबाइल उठा लिए, निकाल लिए, निकालने के बाद इनकी और इनके पॉकेट निकालने के बाद इनका जो है वीडियोस वगैरह सब बनाए, ठीक है। और कहा भी कि भैया ये देखो आपके दोनों मोबाइल में लेकर जा रहा हूँ, और तब भी अगला भाई बंदे का भाई नींद ना खुला। अब सुबह किसका रिएक्शन किस तरह का था, अब क्या बताए, रिएक्शन कोई वीडियो में डाल देना। हैवी मोबाइल था भाई, सच बता रहे, इसका मुँह देखने लायक था। सोच रहा क्या हो गया, तब भाई ने उसको तसल्ली दिलाया कि एक वीडियो दिखा रहा हूँ, वही सार्जन भी एक शॉर्ट वीडियो तो दिखाए थे, तो अब जाके भाई का जान पे जाना है। बाकी अभी हम लोग देख सकते हैं कौन कौन जा रहे थे, सानू भैया इधर, गुरुजी इधर, मनकुश मामा, और भी इधर दो जन चलते हैं जाते हैं। अभी ये मानिएगा तो टीम वर्क हो रहा है, और देखते हैं आगे जाने के बाद क्या होता है, कौन सा सेटअप के पास जा रहे हैं। चलिए आप लोग बने रहिए। और भाई हम लोग वीडियो बनाने के चक्कर में ये वाला रोड में आ गए हैं। हम लोग को मेन हाईवे वाला रोड में जाना चाहिए था, तो इधर से हम लोग क्रॉस कर रहे हैं रोड, और ये देखिए बाकी इधर देखिए मौसम तो अभी बहुत बढ़िया क्या हुआ है, और इधर भी एक सेटअप रेडी हो रहा है, और इधर सभी अपना कांवरिया यात्रा के लिए सेटअप लेके निकल चुके हैं भैया लोग। चलिए भाई सच बता रहा हूँ, इधर सेटअप एक ही जैसा दिख रहा है, लेकिन बजने के बाद ही पता चलेगा कैसे किसका है। देखिए भाई यहाँ पर अभी सेटअप रेडी हो रहा है, ये देख लो। अभी ट्रोला पे अभी सेटअप रेडी हो रहा है, ये देखे 407 इससे माल तो सर इससे खुल के उसके में लग रहा है ना, और इधर एक तो देखिए बड़ा सेटअप जो एक 15 बाय बना तो रहे भैया, एक घर जैसा सेटअप रेडी होके इस जगह पे, और यहाँ पर डीजी का साइड से टेस्टिंग हो रहा है, नहीं वेल्डिंग हो रहा है दोस्तों। भाई यार एक चीज़ आप लोग को बता देना चाहते हैं, मोबाइल में सेटअप तो लगता है कुछ अल्टर टाइप का, लेकिन सामने से देखने से फील हो रहा भाई सेटअप है। इधर भी एक सेटअप है सही, इधर का ज़्यादातर गाड़ी मिलेगा आप लोग को वही 407 में, जो पूरा फिटिंग आता है, लोग का फिटिंग आता है ना भैया। हाँ हाँ, जो शादियों में लगता है ना 407 में लगाते हैं, उसमें लोग 8 बेस 6 बेस और जो हमारा टॉप होता है वो लगाते हैं उसी के अंदर, वो हमेशा मतलब इनका परमानेंट होता है ना कि बंधा ही रहता है। अच्छा इधर का एक बराती सेटअप का 407 वाला सेटअप में कितना लेता है, लगभग लगभग वही 18-20 हज़ार रुपये लेता है। 18-20 हज़ार पूरा सब उसका ही रहेगा, डीजल से लेके सब कुछ उसका ही रहेगा, गाड़ी से लेके सब चीज़, ठीक है एक बजट अनुसार, ठीक है। बाकी आप बोलिएगा सेटअप पूरा हाई फाई चाहिए तो उसके लेवल पे सेटअप भी बढ़ेगा और बजट भी बढ़ेगा। और ये कौन डीजे है इधर, एक कूलर, सबको अपना अपना सेप्टिक के साथ काम कर रहे हैं। ये देखिए अभी भाई अभी लोड करना बाकी इधर से थोड़ा सा देख सकते हैं, ये टाटा है, ये टाटा है, टाटा पे लोडिंग है, ये देखिए पूरा टाटा पे लोडिंग है दोस्तों। लाइक करो कमेंट करो सब कर देगा भैया, इधर देख रहे हैं
लोड के कारण ऊपर में एक तरफ लोहा दे दिया है। और ये देखिए इधर भी एक सेटअप 407 में, ये ट्रोला पे हो गया ना। हाँ, ट्रोला पे, इसमें भी अभी बेसिक लोडिंग करना बाकी है। अच्छा भाई बताओ, छोटा या बड़ा लिंटर का? जो लोग वीडियोस में देख के कमेंट किया करते हैं। हाँ, कि छोटे है। बहुत बड़ा है भाई, स्पीकर देख लो भाई। और भाई यहाँ पे देखो बेसे अभी कितनी रखी हुई है लगने की। भाई साहब भाई साहब भाई मोबाइल में कुछ और दिखता है और रियलिटी में कुछ और दिख रहा है। बहुत डेंजर लग रहा है भाई देखने में सेटअप। बाकी बजेगा अभी तो अच्छा ही बजेगा। ऊपर वाला लाइनर है जितना भी देख रहे हैं। बाकी देख रहे हैं कितना छोटा छोटा स्पीकर है। बाकी इसको कमज़ोर मत सोचिए। और अभी इधर सेटअप रेडी हो रहा है। और कहीं जाना है क्या? चलिए। और दोस्तों यहाँ पर ही एक चीज़ हम देखें, सबसे ज़्यादा ट्रोला पे ही सेटअप रेडी हो रहा है। ये देखिए पूरा सेटअप ट्रोला पे रेडी है ट्रस्ट के साथ। और अभी भी देखिए इधर से ये भाई शेर सीता ही कह दे। नहीं नहीं नहीं, चलिए इधर से तिरपाल विरपाल लगा के रखे हैं इधर। इधर देखिए क्रॉस मॉडल पे डबल 18। भाई सोच रहे कितना पुराना बॉक्स है ये, लेकिन देखिए हैवी है। लेकिन डीजे शिव डीजे ना। चलिए भाई इधर तो पूरा सेटअप ही सेटअप है। देख रहे इधर और भी इसका माल रखा हुआ है। उधर भी देखिए, उधर तो पांच गाड़ी जैसे वहाँ पर सेटअप है। वो देखिए उधर भी है। चलो उधर वाला भी देखते हैं। और ये देखो भाई डीजे शुभम बहुत हैवी हैवी लग रहा है सेटअप देखने में। ये टाटा पे लोडिंग है, टाटा पे लोडिंग है ना। ये देखिए, लेकिन एक चीज़ हम देखें, इन लोग का सेटअप बड़ा लग रहा है, गाड़ी छोटा लग रहा है, लेकिन लोड ले रहा है भाई। इधर और एक तो देखिए एकदम सामने सामने पे सेटअप रेडी हो रहा है। ये देखिए आगे तरफ से इसको लटकाया जा रहा है लगभग सबको। चलिए इधर भी और एक सेटअप, मतलब पूरा भाई जोरों शोरों से काम चल रहा है। अच्छा आप लोग के इधर ये जाली क्यों चलता है सर ज़्यादातर? हाँ बॉक्स में नहीं दिखता, सिर्फ जाली लगा देते बाहर से। जाली है ना, जैसे कि ये ट्रॉला है ठीक है। हाँ। ये ट्रॉला में ये परमानेंट ऐसे बने रहते, कोई हाथ वगैरह मारे या कुछ हो तो मतलब कि हमारा साउंड खराब ना हो ऐसे में। और प्लस इसका जो है ना नाम वगैरह इसी में लिख देते हैं। और ये जाली खुल भी जाता है, उधर से होल्ड खोलो ये पूरा खुल जाता है। और कुछ लोग है ना अपनी जो जाली है ना जाली निकाल देते हैं स्पीकर की और सीधा, मतलब सब चीज़ का सुविधा बना कर रखे हैं। उधर भी देखिए भाई उधर भी सेटअप है, चलो उसको भी दिखाते हैं। और भाई ये सेटअप है असली रावण का, रावण डीजे भाई। वीडियो में दिखता कुछ और इधर है कुछ और, देख रहे हैं सेटअप इनका एक लेवल पे है। पूरा मेहनत है इस सब सेटअप के पीछे में दोस्तों। हालांकि तिरपाल मार दिया अभी इनका भी लाइट वाला चेंज रहने वाला है ना। बाकी भी आपने इधर जोगाड़ खाना वाना बनवा के, इधर भी देखिए ये देखिए भैया इधर भी एक सेटअप रेडी है। उत्साह देखो कौन सा डीजे है भाई। एक और चीज़ हमको समझ में नहीं आ रहा है, तब से हम चल रहे हैं सोच रहे कि डीजे खत्म हो जाएगा, लेकिन यार खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहा। एक से एक डीजे मिल रहा है। ये भी देखिए ये भी ट्रोला पे रेडी हुआ सेटअप। शायद से ये वीडियो में आप लोग का पूरा मेरठ में जितना भी सेटअप है सबका वीडियो देखने को मिल जाएगा। ये देखिए
बिग सेट। हम एक बात बोले सन भैया, आप लोग का इधर सेटअप खराब नहीं है ठीक है, लेकिन जो फील होना चाहिए ना वो ज़्यादातर बॉक्स में सामने से फील होता है भाई। देखो वो चीज़ सही है, और लेकिन आप लोग के इधर ट्रोला पे बांधाता है तो थोड़ा दूर चल जाता ना पब्लिक। हाँ, वो भी चीज़ मैटर करता है। हाँ वो तो जाहिर सी बात है, लेकिन लोडिंग के देखते हुए हम लोगों को चलना पड़ता है ना, हर चीज़ देखना पड़ता है कि कितने में हमारा निकल जाए। जैसे टूर प्लाजा है, इसमें भी सेटअप लोडिंग निकलेगा। आपको बता दें कि अभी इनके पास इतना ही माल नहीं है, इन लोगों के पास और भी ज़्यादा माल है ठीक है, तो ये लोग बस उसी हिसाब से लोडिंग करते हैं कि हाँ निकल जाएगा। आपने हर एक वीडियो में देखा होगा भाई, वो बोल रहे हैं 45 बेस लोड करेंगे, 60 बेस लोड करेंगे। हाँ उनके पास 60 बेस लोड करने की क्षमता है, 60 बेस लोड करते हैं ठीक है। हाँ करते हैं, लेकिन बात ये कि निकलना भी तो चाहिए। ये देखिए टूल पला जाइए, यही से सब डीजल पार होगा ना। हाँ हाँ मेन है। और अभी देखो सामने एक और डीजे खड़ा है। हाँ भाई जितना चलते जाओगे आपको इतने ज़्यादा डीजे मिलते जाएंगे ठीक है, ऐसा नहीं है कि आप लोगों को डीजे ही नहीं मिलेंगे, डीजे बहुत हैं। लगभग लगभग कितना डीजे वाला आएंगे भाई? बड़े मैं आपको टोटली बताऊँ, अगर छोटे बड़े डीजे सेटअप मिलाएं तो 100 प्लस ही है, 100 प्लस ही डीजे अगर छोटे बड़े सब मिला के बात करें। ये है गुज्जर, डीजे देव गुज्जर। हाँ डीजे देव गुज्जर, चलिए इनका भी देखते दोस्तों। भाई ये सेटअप में इधर स्पीकर पहले देखो भाई, 21 इंची का स्पीकर लगाया गया है, मतलब डबल 21 का लगाया गया है भाई, नीचे में जितना भी है। और इधर क्या कनेक्शन ट्यूटर वाला है शायद, तार निकला हुआ है। नहीं वो ट्यूटर लगाते हैं। हाँ और अभी सेटअप 18 और 21 15 भी इसमें है, 12 है ऊपर है। हाँ वो तो बोल रहे 15, मतलब तीनों मिक्स है दोस्तों इसमें, 18, 21 और 15 इंची। उधर भी एक सेटअप रेडी हो रहा है, इधर भी देखिए इसका तो पूरा अंदर पे ही सेटअप। 3 को डीजी लोड किया भाई, 1 डीजी 2 डीजी और एक उधर 3। सेटअप भाई बहुत हैवी भी सेटअप है, और सच बता रहे ख़त्म होने का नाम ही नहीं ले रहा है इधर। चले आगे देखते हैं। और अभी हम लोग चल ही रहे हैं, इधर से और एक डीजे मिल गया है, मतलब सबको पूरा रात भर पूरा मेहनत किया है यहाँ पर। आगे में देख रहे हैं और एक है, चलिए उनके पास भी जाके देखोगे एक और है। हाँ उसके आगे भी और एक, चलिए देखते हैं जितना सकते उतना दिखाते हैं आप लोग को। और इधर भी देखिए ट्रोला पे और एक सेटअप रेडी हो रहा है। ये देखो भाई ये सेटअप पूरा फ्रेश लग रहा है, फ्रेश तो लग रहा था सबको, लेकिन सब में तिरपाल मारा हुआ था। इधर भी सेटअप रेडी हो रहा है, शायद इनका अभी ट्रोला से उतरा नहीं है, उतरने के बाद इसका भी सेटअप रेडी होगा। इधर ये देखते हैं कौन डीजे ये लो, ये सनी डीजे ना, हानी है ना। बाकी देखिए सेटअप मामला पूरा केड़ा ही है भैया लोग का, फेमस डायलॉग है इधर का केड़ा है। बाकी इधर भी 18 इंची है, ये देखिए इधर से भी डीजी अंदर पे है, मतलब सच बता रहे अच्छा खासा लोड रह रहा है इस सब काटा में, बहुत ज़्यादा लोड रह रहा है इस सब में। लेकिन आप ही लोग बताइए कमेंट करके, अभी तक आप लोग इतना सारा सेटअप दिखाए हैं, कौन सा सेटअप आप लोग का अच्छा लगा, और आगे जाएंगे तो और भी भाई, अभी तो धड़कन कशाना और जो मेन है वो तो अभी बाकी है, वो और आगे है। अमर भैया सब तो आगे है, अभी बहुत सारे डीजे है भाई, है इतने महीने मत सोचो कितने ही है। फिर वीडियो ज्यादा बड़ा हो जा रहा है, चलिए ये वीडियो कहीं पर एंड करते हैं। बाकी आप लोग अपना कमेंट करके बता दीजिएगा
इतना सारा आप लोग का डीजे सेटअप दिखाए हैं। ठीक है, चलिए दोस्तों मिलते हैं फिर से नेक्स्ट वीडियो में।